जमाने में चलता हुसैन, चलता है कायनात में सिक्का हुसैन। भारत में परमिशन हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हमने कोई प्रोसेशन नहीं। तो हेलो मित्रों, कैसे आप सर? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, और काफ़ी टाइम से लोग नहीं आते हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा बिजी था अपनी पर्सनल लाइफ में। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा क्यों नहीं आ रहे थे व्लॉग, और बाकी बातें हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे क्यों नहीं आ रहे थे व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होने वाला है। आज का व्लॉग ये होने वाला है कि आपको पता है आज मोहर्रम का त्यौहार है, और हमारे हिमाचल नाहन में काफ़ी टाइम से मोहर्रम के ताजे निकाले जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कोविड के कारण कुछ त्यौहार और यात्राओं पर रोक लगा दी गई है उसमें, तो आज कैसे मोहर्रम का त्यौहार मनाया जा रहा है नाहन में कोविड 19 के तहत, तो आपको यही दिखाने वाला हूँ मैं आज अपने। चलते हैं आपको लेकर। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि चारों मोहल्ले के ताजे इकट्ठे होते हैं, कच्चा टैंक हो गया और गुन्नूघाट हो गया, हरिपुर मोहल्ला हो गया और रानीताल हो गया, ये चारों ताजे इकट्ठे होते हैं हमारे मोहल्ले में कच्चा टैंक में। तो इस बार ये ताजे इकट्ठे नहीं होंगे, ये अपने अपने मोहल्लों में रखे गए हैं। और जैसे कि ताजों की यात्रा निकलती थी वो भी नहीं निकलेगी, वो बस एक जगह रखे जाएंगे अपने मोहल्ले में। थोड़ा बहुत ये जो क्या बोलते हैं उसको मंजिल देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो बस अपने मोहल्ले के एरिया में ही रखेंगे। और कोविड 19 के कारण आपको पता है सब त्यौहार और रथ यात्रा भी निकलती थी, वो भी नहीं हुई इस बार। मुहर्रम के ताजे भी मतलब उसी की तरह, जैसे ही रथ यात्रा में थोड़ा बहुत पूजन वगैरह हुआ था उसी तरह यहाँ पर जो मुहर्रम के ताजे होते हैं वो भी एक जगह रखे गए हैं। तो और आप में से कुछ सब्सक्राइबर नाहन के हैं जो नाहन से बाहर रह रहे हैं, हिमाचल से बाहर रह रहे हैं, और वो भी काफ़ी मिस करते हैं अपने नाहन को और यहाँ के त्यौहार को। और आप में से कुछ लोग मुहर्रम के ताजे देखने को एक्साइटेड होंगे, आप सब मुहर्रम के ताजे देखने को कि इस बार मुहर्रम के ताजे निकल रहे हैं नाहन में या नहीं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। और चैनल को जो सब्सक्राइब करना, यार एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो। आप में से कुछ लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, वीडियो देख कर भाग जाते हो, तो ऐसा ना करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखना। आज का व्लॉग थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, बट आपके भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं व्लॉग बढ़िया से बढ़िया बने, और काफ़ी टाइम बाद भी लोग आ रहे हैं यार, पता है मेरे को। तो आज के व्लॉग देखते हैं, तो लेके चलता हूँ आपको मैं सीधा ताजे दिखाने। और कल रात भी बारिश आ चुकी थी, ताजे देखने गया था मैं रात को वीडियो शूट करने, तो बारिश आ चुकी थी रात को, और जिस कारण मैं घर आ गया था। और बाकी जो थोड़ा बहुत शूट है मैंने अपनी खिड़की से किया था, तो वो भी आपको क्लिप देखने को मिल जाएगी। आई होप आप सबको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जो बताना कि कैसे लगे आपको आज का ये वीडियो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अपडेट पता चल सके। और क्या था, गिववे, हाँ गिववे भी होने वाला है बहुत जल्द, इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कब गिववे रख रहे हैं हम, ठीक है। तो चलता हूँ आपको लेके आज के मुहर्रम के ताजे दिखाने, लेट्स गो। हिंदू, हाँ मौला आपका सलामत रखे, हम लोग को उधर ही है, हर चीज़ चाहिए, हर काम में हाजिर हो, हर खिदमत के लिए इमाम हुसैन सबके लिए, इमाम हुसैन सबके लिए, सबके लिए, हाँ सबके लिए, इमाम हुसैन सबके लिए, हाँ सबके लिए। हम लोग देख लिया हिंदुस्तान में, देख लिया गुजरात में, एक दफ़े हम लोग मुहर्रम किया, हिंदू और मुसलमान सब। सो हेलो मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रजत हिमाचल वाले। तो आज मुहर्रम का दिन है, तो मैं आया था अपने मोहल्ले के ताजे देखने, कच्चा टैंक देख सकते हो बैक साइड, जैसे कि आपने इंटरव्यू में देख लिया होगा। और काफ़ी दोस्त भाई लोग मेरे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, ये अपने सोहेब भाई हैं बचपन के यार दोस्त, और एक भाई पीछे खड़े हैं, एक भाई वो अभी बिजी हो रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे आया था, और ये हमारे अंकल जी हैं, तो मुहर्रम देखने आया था। तो थोड़ा हुसैन और ज़ैना, हुसैन और ज़ैना, खुदा के दीन की पनाह है, पनाह है, हुसैन और ज़ैना, हुसैन खुदा के दीन की पनाह है, पनाह, हुसैन और Hey, hey, hey.
बाबा तेरा अल्लाह है गवाह तेरी सकीना दा बाबा तेरा अल्लाह है गवाह तेरी सकीना दा बाबा तेरा अल्लाह है गवाह तेरी सकीना दा حسین صبح ہو رہے اور شام رہے مولا تیرا اونچا صدا نام رہے صبح ہو رہے اور شام رہے مولا تیرا اونچا صدا نام رہے بولے سارا جہاں حسین یا حسینہ تفلو پیرو جوان حسین یا حسینہ بولے سارا جہاں حسین یا حسینہ تفلو پیرو جوان حسین یا حسینہ کل بھی دلوں پہ تیرا راج تھا مولا اب بھی دلوں پہ تیرا راج ہے مولا حسین 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 ملکوں ملکوں میں تیرا ماتم شاہ حسین شہروں شہروں میں تیرا ماتم شاہ حسین گاؤں گاؤں میں تیرا ماتم شاہ حسین حلقائے عاشقاں حسین ہاں جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر ابھی آئے ہیں اکترت ہوئے ہیں آج محرم کا دن ہے محرم کا دن جو ہے یہ ایک سوگ کا دن ہوتا ہے جیسے کہ میرے ساتھ میں ہمارے تاجیہ کمیٹی کے پردھان بھی کھڑے ہیں ہم عرصہ 150 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں یہاں پر تاجیہ نکالتے ہیں یہاں تمام مسلم سماج لیکن اس بار 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے ہم کوئی پروسیشن نہیں کر رہے ہیں تاجیہ کا اور ہم نے بس اپنے جو تاجیہ ہمارا امام باڑہ ہے وہاں سے ہم نے تاجیہ بنایا تاجیہ کو سنوارا اس کو اور ہم نے یہاں پاس میں ہی اس کو یہ رکھ دیا ہے اب جو ہماری روایت کے حساب سے ہمارے رواج کے حساب سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہیں آ رہے ہیں اور اپنا جو بھی ان کی مرادیں ہیں وہ یہاں پوری ہوتی ہیں وہ یہاں پر اپنا جو بھی اپنا پروسیس ہے وہ کام کر رہے ہیں اور پرشاسن کو ہم نے بولا تھا ریکویسٹ کی تھی میں خود گیا تھا ڈپٹی کمشنر سے ملا ہوں لیکن وہ ڈیو ٹو کووڈ پرمیشن ہمیں نہیں مل پائی اس لیے ہم نے کوئی پروسیسن نہیں کیا باقی یہ جو ہمارا آج کا دن ہے یہ ہم ایسے ہی مناتے ہیں سینکڑوں سال سے مناتے ہیں اور ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناہن شہر میں ایسا نہیں ہے کہ بھی مطلب ناہن شہر میں یہ مسلمان ہی کرتے ہیں یہاں سارے ہندو سکھ عیسائی سارے مانتے ہیں اور یہ مانیتا ہماری اسی طرح برقرار رہنی چاہیے پھر ایک بار میں رجت ہماچل چینل کو دوبارہ سے ایک بار تھینک یو کرتا ہوں آپ یوٹیوب پر ہیں میں آپ کو ہمیشہ دیکھتا بھی ہوں اور آپ جو بھی کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے سماج کے لیے وہ بہت اچھا ہے تھینک یو ویری مچ ویلکم موسٹ ویلکم سر تو آئیے اپنے گوگی چارجر سے بھی جانتے ہیں جی کتنے ٹائم سے مطلب تاجے بن رہے ہیں اور کب سے تاجے سجانے شروع ہو جاتے ہیں تاجے گھر میں جیسے ہمارے صدر صاحب انجمن اسلامیہ کے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ یہ روایت بہت پرانی ہے یہاں پہ اور تعزیہ داری جو ہمارے یہاں ہوتی ہے
तो ये कम से कम बहुत सदियों से चली आ रही है, और जब ताजिए को हम सजाते हैं उसको हम 10 दिन पहले से सजाना शुरू कर देते हैं। इसमें हमारे कुछ छोटे प्रोग्राम भी होते हैं, मेहंदी होता है, आलम होता है, डेट वाइज उसी तरीके से हम इनको निकालते हैं। ठीक है जी, और मेरे साथ एक, मैं ही अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे बराबर के भी हैं, मेरी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। और आपका हम बहुत बहुत उभारी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप तो मित्रों, अभी हम रानीताल में आए हुए थे यहाँ पे ताजिए देखने, तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो प्रधान जी हैं उनसे। तो आइए कुछ बताइए। मैं लियाकत अली, प्रधान ताजिए कमेटी रानीताल। ताजिए हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन माम हुसैन, उनकी याद में ताजिए मनाया जाता है। ताजिया खुशी का कोई वो नहीं है, ये गम का है। हमारे हसन माम हुसैन को यजीद अपने साथ मिलाना चाहता था, जिससे वो हम खलीफा बन सके, लेकिन वो उनके साथ नहीं मिलना चाहते थे, तो उनके पीछे उनकी लड़ाई शुरू हो गई। फिर वो अपने 72 जो उनके साथी थे उनको लेके वो मक्का मदीना चले गए हज करने के लिए। जब जाके उनको वहाँ पता लगा कि वो यहाँ भी पहुँच गए, वहाँ से वो इराक चले गए। इराक में जाके फिर उनका वहाँ से वो जो उनके साथी थे उनका सबका मर्डर कर दिया। फिर उसके बाद हसन माम हुसैन के बच्चे को प्यास लगी, उन्होंने उनसे गुजारिश की कि बच्चे को हमारे पानी पिला दो, लेकिन उन्होंने पानी की बजाय उस बच्चे का भी मर्डर कर दिया। उसके बाद हसन माम हुसैन का भी कत्ल कर दिया। ये जो उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, ये खुशी का वो नहीं है, ये मातम है। इसी तरह यहाँ से हमारे जो ये महाराज थे, तो उन्होंने ये ताजियादारी शुरू करी, उसमें 300 साल से ये ताजियादारी यहाँ चली हुई। यहाँ शिया लोग नहीं हैं, सुन्नी है, लेकिन ये जो परंपरा चली आ रही है ये राजा के टाइम से चली आ रही है। तो ये जो ताजियादारी है उनके याद में मनाई जाती है, और कोविड का खास ध्यान रखा गया, कोशिश करते हैं कि सब डिस्टेंस में खड़े हों, और यह ताजिया जो है प्रोसेशन नहीं निकाला जा रहा, ये ताजिया रख के सब ये चल रहा है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया होगा, हर साल की तरह मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ, और अगले साल हम देखेंगे कि कहाँ पे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मातम हो रहा है।